तो भाई देखो, खेसारी भैया जो है ना अब रुकने वालों में से नहीं है। रंग दे बसंती फिल्म, इस फिल्म के बारे में ऐसी ऐसी अपडेट आई है ना भाई साहब, आपका हाथ का रूह रूह खड़ा हो जाने वाला है। तो आओ इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल पर भोजपुरी का अपडेट आते रहता है। तो आप सभी को तो पता ही है कि दिलेर पाजी रंग दे बसंती फिल्म में गाना गाए हैं, इस फिल्म में अपना आवाज दिए हैं। लेकिन बहुत लोग जो है ना कंफ्यूज हैं कि इस फिल्म में किस में आवाज दिए हैं, टाइटल ट्रैक में दिए हैं कि एक गाना ही गा दिए हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि दिलेर पाजी इस फिल्म में टाइटल ट्रैक गाए हैं, बट ऐसा नहीं है। जी हां गाइस, इस फिल्म में दिलेर पाजी टाइटल ट्रैक को नहीं गाए हैं। अगर आप लोग टाइटल ट्रैक को नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि खेसारी भैया का एक फिल्म आई हुई थी जिस फिल्म का नाम था दबंग सरकार, उस फिल्म में टाइटल ट्रैक को गाया गया है, आप लोग सुन सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं टाइटल ट्रैक। लेकिन इस फिल्म में दिलेर पाजी टाइटल ट्रैक को नहीं गाए हैं, बल्कि जो दिलेर पाजी जिस गाने को गाए हैं ना इस फिल्म में, वो एक देशभक्ति गाना है, सनातन गाना है। इसमें हनुमान जी और राम जी पर गाना गाए हैं दिलेर पाजी, और काफी गजब का गाना है। दिलेर पाजी ने खुद कहा है कि काफी बेहतरीन गाना है, और ये जब गाना आएगा ना पूरा इंडिया में बजने वाला है, पूरा भारत में बजेगा, क्योंकि ये एक देशभक्ति गाना है। और जिस गाने में राम जी और हनुमान जी का नाम आ जाए वो तो बजबे करेगा। और इस गाने का बोल मैं आप सभी को थोड़ा सा सुना ना चाहता हूँ कि इस गाने का बोल है, कांधे पे भगवा लहरा के बोलो हनुमान जी की जय, बोलो राम जी की जय। और जब इस गाने को लोग बजाएंगे ना भाई, जोश आ जाएगा उसमें, और जब कोई टेंशन में होगा तब वो उस गाने को सुनेगा तो मूड फ्रेश हो जाएगा। इस प्रकार को गाना को बनाया गया है। और इस फिल्म में खेसारी भैया का बेटा भी काम किए हैं, और इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन सब जो है ना अयोध्या में भी शूट किया गया है। खासकर दिलेर पाजी जिस गाने को गाए हैं उसे अयोध्या में शूट किया गया है। और ये फिल्म काफी गजब का होने वाला है, काफी हाई बजट होने वाला है। और इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो सभी लोग सीरियस हैं इस फिल्म को लेकर। कहीं पे भी इस फिल्म को लेकर फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो स्ट्राइक आ जाता है। इस फिल्म का कोई भी वीडियो फोटो यूज करेंगे तो स्ट्राइक दे दिया जाएगा SRK म्यूजिक कंपनी के द्वारा। तो काफी सीरियस है भाई इस फिल्म को लेकर। 20 से 25 करोड़ में तो बनेगा ही फिल्म, 75 लाख में तो सॉन्ग ही शूट किया गया है। अब यही सॉन्ग है या फिर कोई और सॉन्ग है देखा जाएगा जब ट्रेलर आएगा। और भोजपुरी में ऐसी पहली बार फिल्म बनी है, और इस फिल्म को देखकर आगे भी बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाई जाएगी। और खेसारी भैया इस फिल्म में 3 रोल में दिखाई देंगे। 3 रोल किए हैं खेसारी भैया इस फिल्म में, बेटा का किए हैं, पिता का किए हैं, और दादा का भी किए हैं। तो इसी वजह से खेसारी भैया इस फिल्म में अपने बेटे को लाए हैं। खेसारी भैया का बेटा ऋषभ इस फिल्म में पोते का रोल किए हैं। और दिलेर पाजी का कोलैबोरेशन भोजपुरी में काफी बढ़िया तरीके से हुआ है और अच्छे गाने से हुआ है, और आगे भी भोजपुरी में दिलेर पाजी दिखाई दे सकते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों को खेसारी भैया का ये न्यूज बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही न्यूज जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।